और सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यों की इमरजेंसी बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। सुबह 10 बजे यह बैठक होगी। आंदोलन के देखिए खत्म होने पर सस्पेंस के बीच ये बैठक हो रही है। आज दोपहर 2 बजे भी किसानों की एक बड़ी बैठक होने वाली थी, लेकिन उससे ठीक 4 घंटे पहले ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। इस इमरजेंसी बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान भी संभव है, ये माना जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे भी किसानों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन उससे ठीक 4 घंटे पहले यानी कि कुछ देर बाद 10 बजे इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, इमरजेंसी बैठक है, कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी, माना जा रहा है कि बड़ा ऐलान हो सकता है बैठक के बाद। और यह आज उम्मीद की जा रही है कि जी बिल्कुल, देखिए अचानक से इस बैठक को बुलाया गया है और इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं, ये ऑल इंडिया किसान मोर्चा का ऑफिस है, ये 36 रविशंकर शुक्ला लेन में, और यहीं पर ये बैठक जो है 10 बजे होनी है। और जो संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय टीम है वो इस बैठक को करने वाली है। और जैसा कि कल जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग हुई थी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया गया था कि 2 बजे उनकी एक और फिर मीटिंग होनी है, यानी कि जो आज होनी है, लेकिन उससे पहले जो आज ये बैठक होनी है, तो इसमें अब ये देखना होगा कि आखिरकार इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के जो तमाम नेता हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि अभी सहमति नहीं बन पा रही है। और सहमति इसलिए नहीं बन पा रही है कि सरकार ने ये साफ कर दिया था कि आप आंदोलन वापस ले लीजिए और उसके बाद मुकदमे वापस होंगे, तो कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा ये जो पेच है वो मुकदमों के ऊपर अटका हुआ है, जो किसानों के ऊपर मुकदमे हैं। तो अब ये देखना होगा कि इस बैठक में क्या तय होता है और जो 2 बजे बैठक होती है उसमें क्या होता है, ये अभी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल मनोज, उस पर लगातार नजरें हमारी रहेंगी। जैनेन्द्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेन्द्र, इमरजेंसी बैठक बुलाने के क्या मायने? देखिए, सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच सहमति बनाने की कवायद जारी है। 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक होनी है। सरकार ने कल जो 5 सूत्रीय मसौदा भेजा था किसानों की मांगों पर, सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया था उस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कल चर्चा की थी और जो असहमतियां थी वो सरकार को उन्होंने वापस भेजी थी। आज एक अहम दिन है इस आंदोलन को के इतिहास में। आज सुलह संभव है, सरकार के साथ वार्ता के बाद सहमति संभव है, और 2 बजे वाली संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है उससे पहले 10 बजे 5 सदस्यीय कमेटी जो सरकार से बात करने के लिए बनाई गई थी वो बैठक करने वाली है नई दिल्ली में। संभव है कि सरकार का जवाब क्या आता है उसको लेकर के ये चर्चा होगी, ये बैठक होगी, या फिर इस बैठक में इंतजार किया जाएगा सरकार के जवाब का। और एक बार जब जवाब आ जाएगा इसके बाद हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आज सुबह ही इस कमेटी की सरकार के 2 बड़े मंत्रियों के साथ भी बैठक संभव है, और जैसे ही वो बैठक हो जाएगी मतलब साफ है कि सरकार तमाम बिंदुओं पर तैयार हो गई है। और इसके बिल्कुल बाद जो 10 बजे बैठक होने जा रही है उसके बाद क्या ऐलान होता है, क्या मंत्रियों के साथ मुलाकात होती है, और जो 2 बजे बैठक होती है उसके बाद क्या ऐलान करते हैं किसान संगठन, ये भी देखना होगा। जैनेन्द्र और मनोज, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। ABP News आपको रखे आगे।